मई के महीने की ईवी सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है भाई। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस महीने हमने कितनी इलेक्ट्रिक कार सेल करी है, कौन सी कंपनी ऊपर गई है, किस कंपनी का दिवाला पिटा है, महिंद्रा कहाँ है, बीवाईडी कहाँ है, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज ये सब कहाँ स्टैंड करते हैं, कौन सी कंपनी का कितना मार्केट शेयर है, किस कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, किसका घट रहा है, सब इस वीडियो में आज आपको पता लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। लेकिन नंबर 10 से पहले टोटल सेल्स की बात कर लेते हैं। तो मई के महीने में टोटल सेल करी है 6300 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ हो जाती है माइनस में 7.2%, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो जाती है माइनस 18%। अब सीधा चलते हैं नंबर 10 पे। तो नंबर 10 पे बैठा है भाई किया इंडिया, जो कि पिछले महीने भी 10वें स्थान पे था, आज भी 10वें स्थान पे है। अप्रैल के महीने में उन्होंने सेल करी थी 19 यूनिट, जबकि मई में करी है 20 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ होती है प्लस में 5.2% की। मार्केट शेयर इनका 0.31%, जो कि पिछले महीने के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा है। पिछले 6 महीने की सेल्स देखे तो इनका जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे आ रहा है। एंड मंथ की थोड़ी सी सेल कम हो गई है, लेकिन उन्होंने अपना पीक पकड़ा था जनवरी। नंबर 9 पे बैठा है भाई वोल्वो इंडिया, जो कि पिछले महीने था 8वें स्थान पे, आज एक स्थान लड़के आ चुका है 9वें स्थान पे। अप्रैल के महीने में उन्होंने सेल करी थी 36 यूनिट, जबकि मई में करी है 35 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ होती है माइनस में 2.7% की। मार्केट शेयर इनका बन जाता है 0.55%, पिछले महीने के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा है। और ये इनका पिछले 6 महीने की सेल्स का डेटा, जहां पे आपको दिख रहा है इनकी जो सेल्स है भाई वो धीरे-धीरे नीचे जा रही है। इन्होंने अपना जो पीक पकड़ा था वो था दिसंबर में। नंबर 8 पे बैठा है भाई पीसी ऑटोमोबाइल, जिनकी सिट्रोन इस्त्री कार आती है, पिछले महीने थे 9वें स्थान पे, आ जा चुके हैं 8वें स्थान पे। अप्रैल के महीने में इन्होंने सेल करी थी 24 यूनिट, जबकि मई में करी है 36 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ आती है प्लस में 50% की। मार्केट शेयर हो जाता है 0.57%, जो कि पिछले महीने के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ गया है। और ये इनका पिछले 6 महीने का सेल्स डाटा, जहां पे आपको दिख रहा है कि मई में थोड़ी सी सेल ऊपर गई है। इन्होंने जो अपना पी पकड़ा था वो पकड़ा था फरवरी में। और ये कंपनी मैं कहूँगा कुछ खास नहीं कर पा रही, क्योंकि ये कोई लग्जरी इलेक्ट्रिक कार नहीं है, ये एक मिड सेगमेंट की कार हो जाती है। फिर भी इनकी जो सेल है वो किसी लग्जरी कार से भी कम आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो कंपनी है इंडिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। नंबर 7 पे बैठा है भाई मर्सिडीज, जो कि पिछले महीने था 5वें स्थान पे, आज लुढ़क के आ चुका है 7वें स्थान पे। अप्रैल के महीने में उन्होंने सेल करी थी 119 यूनिट, जबकि मई में करी है सिर्फ 55 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ होती है माइनस में 53% की। मार्केट शेयर बन जाता है 0.87% का, जो कि पिछले महीने के मुकाबले थोड़ा गिर गया है। और ये रहा इनका पिछले 6 महीने का सेल्स डेटा, जहां पे आपको दिख रहा है कि इनकी जो सेल्स थी वो पहले ऊपर थी, फिर नीचे गई। अप्रैल में इन्होंने अपना पीक हासिल करा है और फिर मई में अचानक से गिर गई। नंबर 6 पे बैठा है भाई बीएमडब्ल्यू, जो कि पिछले महीने था 7वें स्थान पे, आज आ चुका है 6ठे स्थान पे। अप्रैल के महीने में इन्होंने सेल करी थी 51 यूनिट, जबकि मई में करी है 60 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ होती है प्लस में 17% की। मार्केट शेयर बन जाता है 0.95% का, जो कि पिछले महीने से बड़ा है। और ये इनका पिछले 6 महीने का काला चिट्ठा, जहां पे आपको दिख रहा है कि दिसंबर में इन्होंने अपना पीक हासिल कर रखा था, उसके बाद सेल नीचे जाती जा रही है। अप्रैल में बिल्कुल लो चले गए थे और मई में थोड़ी सी सेल इंप्रूव हुई। और हाँ, एक चीज और बता दूं भाई, अगर आप ईवी वीडियोस देखना पसंद करते हो, ईवी में इंटरेस्ट है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मस्ट हो जाता है। ये ऑप्शन नहीं है भाई, बिल्कुल नेसेसरी है। तो वीडियो को तो लाइक कर ही दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा दो सच्चा ईवी लवर बनने। उसके नंबर 5 पे बैठा है भाई हुंडई मोटर, जो कि पिछले महीने था 6ठे स्थान पे, आज आ चुका है 5वें स्थान पे। अप्रैल के महीने में इन्होंने सेल करी थी 84 यूनिट, जबकि मई में करी है 95 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ होती है प्लस में 13% की। मार्केट शेयर इनका बन जाता है 1.50% का, जो कि पिछले महीने के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है। और ये रहा भाई इनका सेल्स चार्ट, जहां पे आपको दिख रहा है कि भाई इनका भी ग्राफ जो है ऊपर नीचे चल रहा है। मई में आगे थोड़ा सा नीचे गिर के, मई में नहीं अप्रैल में थोड़ा सा गिरा, फिर मई में हल्का सा ऊपर उठा है, तो सेल्स अप डाउन। नंबर 4 पे बैठा है भाई BYD, जो कि पिछले महीने में 4थे स्थान पे था, आज भी 4थे स्थान पे है। अप्रैल के महीने में उन्होंने सेल करी थी 127 यूनिट, जबकि मई में करी है 148 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ होती है प्लस में 16% की। मार्केट शेयर इनका बन जाता है 2.3% का, जो कि पिछले महीने के मुकाबले थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। इनका जो पिछले 6 महीने का डेटा, उसे देख के आपको पता लग रहा है कि भाई कंपनी अपनी सेल्स को इंप्रूव कर रही है। हालांकि दिसंबर में इनका पीक था, फिर नीचे गिरते गए, फिर एक फ्लैट कर्व आ गया, उसके बाद ये ऊपर जा रहे हैं। गुड। नंबर 3 पे बैठा है भाई अपना महिंद्रा, जो कि पिछले महीने तीसरे स्थान पे था, आज भी तीसरे स्थान पे है। अप्रैल के महीने में उन्होंने सेल करी थी 580 यूनिट, जबकि मई में करी है 525 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ होती है माइनस में 9% की। मार्केट शेयर बन जाता है 8.30% का, जो कि पिछले महीने के मुकाबले थोड़ा सा गिर गया है। पिछले 6 महीने का सेल्स डेटा देंगे तो इन्होंने अपने पीक को हासिल करा था जनवरी में, उसके बाद सेल्स धीरे धीरे नीचे जा रही है, बहुत स्लोली नीचे जा रही है, कोई एकदम अचानक से नीचे नहीं गई है, बट हाँ इंप्रूव करने की जरूरत है। उसके बाद नंबर 2 पे बैठा है भाई MG मोटर, जो कि पिछले महीने दूसरे स्थान पे था, आज भी दूसरे स्थान पे है। अप्रैल के महीने में उन्होंने सेल करी थी 813 यूनिट, जबकि मई में करी है 883 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ होती है प्लस में 8.6% की। मार्केट शेयर बन जाता है इनका 14% का, जो कि पिछले महीने के मुकाबले काफी इंप्रूव हुआ है। पिछले 6 महीने का डेटा देखें तो इनकी जो सेल है, मैं कहूंगा कंटीन्यूअस बनती जा रही है, बहुत माइनरली नीचे गई है, लेकिन हाँ ठीक ठाक ये कर रहे हैं। और नंबर 1 पे बैठा है भाई अपना टाटा मोटर, जो कि पिछले महीने भी पहले स्थान पे था, आज भी पहले स्थान पे है। अप्रैल के महीने में उन्होंने सेल करी थी 4936 यूनिट, जबकि मई में करी है 4442 यूनिट।
मंथ-ऑन-मंथ ग्रोथ हो जाती है माइनस में 10% की। मार्केट शेयर बन जाता है 70% का, जो कि पिछले महीने के मुकाबले थोड़ा सा गिर गया है। पिछले 6 महीने का सेल्स डेटा देखें तो इन्होंने अपने पीक को हासिल करा था मार्च के अंदर, लेकिन हाँ इनकी सेल भी जो है ना वो बिल्कुल सेम चलती रहती है, 4500 के आसपास ये झूलते रहते हैं, थोड़ा बढ़ जाते हैं थोड़ा कम हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो कार सेल करते हैं वो टाटा मोटर्स ही करता है, और अभी भी कोई ऐसा आसपास नजर नहीं आ रहा जो कि टाटा मोटर्स को टक्कर दे सके इलेक्ट्रिक कार्स के मामले में। आपको वो कौन सी कंपनी लगती है जो कि टाटा को टक्कर दे सकती है फ्यूचर में जाके? वीडियो तो पसंद आई होगी, जब यहां तक आए तो लाइक भी कर देना वीडियो को, और इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल की सेल्स वीडियो देखनी है तो इस पर क्लिक कर लो।